फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैंगो बिस्किट टार्ट बनाना बताऊंगी। ये बनाना बहुत आसान है और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम टार्ट बनाते हैं। टार्ट बनाने के लिए मैंने ये डाइजेस्टिव बिस्किट है उनको लिया है। आप चाहें तो कोई और बिस्किट भी ले सकते हैं। ये मैंने दो पैकेट लिए हैं। अब मैं इनका एक महीन पाउडर बनाऊंगी। ये देखिए, बिस्किट का पाउडर रेडी है। अब हम इसमें आधी कटोरी मेल्ट करके बटर डालेंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, बिस्किट का पाउडर बटर के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको अपने टार्ट स्टैंड में डालना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरह से अब हम बिस्किट को दबा दबा के टार्ट स्टैंड में शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको दबा दबा के चारों तरफ अच्छे से सेट करना है। अब हम इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अब हम मैंगो की एक प्यूरी बनाएंगे। यहाँ मैंने एक मैंगो को छीलकर इस तरह से काट लिया है। साथ में 3 चम्मच शुगर और 1 छोटी कटोरी मिल्क मेड लिया है। साथ में अब मैं इसमें 1 कटोरी व्हिपिंग क्रीम ऐड करूंगी। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं हो तो आप फ्रेश क्रीम जो अमूल की आती है उसको भी ले सकते हैं। अब हम एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, मैंगो क्रीम बनकर अब तैयार है और टार्ट भी ठंडा हो गया है। तो अब हम क्रीम को टार्ट पर सेट करेंगे। मैंगो क्रीम को हम चारों तरफ से अच्छे से फैला देंगे। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए और सेट होने के लिए रख देंगे। मैंगो टार्ट पुडिंग हम बनकर तैयार है। तो अब हम इसको डेकोरेट करते हैं। मैंने पतले पतले स्लाइसेस को कुछ डिज़ाइंस में काट लिया है। मेरे पास इस तरह के डिज़ाइंस हैं जिससे मैंने ये शेप दिया है। तो चलिए अब मैं टार्ट को डेकोरेट करती हूँ। ये देखिए, बिस्किट मैंगो टार्ट पुडिंग बनकर तैयार है। ये बहुत इजीली बन जाती है और इसको बेक करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।